आपकी जर्नी के दौरान अगर आपको जर्नी पर खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ें मिल जाए, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए, तो आप बिल्कुल नागपुर रेलवे स्टेशन पे ये हल्दीराम का रेल कोच रेस्टोरेंट बना हुआ है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। रेकमेंडेड प्लेस है। मैं आ चुका हूँ नागपुर रेलवे स्टेशन पे, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, और आज की जर्नी हमारी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। चलिए मैं आपको हल्दीराम रेल कोच रेस्टोरेंट का थोड़ा सा रिव्यू दिखाता हूँ सबसे। ये देखिए यहाँ पर ये हल्दीराम का रेल कोच रेस्टोरेंट बना हुआ है, काफ़ी अच्छा रेलवे रेस्टोरेंट है। यहाँ से आप अपना खाना पीना पैक भी करवा सकते हैं, डाइन इन की सुविधा भी आपको अंदर मिल जाएगी। दोस्तों आप नागपुर रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ के ऑरेंज बर्फी ट्राई करना मत भूलिएगा, बिल्कुल रेकमेंडेड है। बाकी खाने पीने के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ पे आपको समोसा वगैरह मिल जाएगा। हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, सभी कुछ अवेलेबल है। डाइन इन के लिए आपको गेट जो है वो वहाँ से मिलेगा। और ये है हमारा सामने प्यारा सा ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया का नागपुर रेलवे स्टेशन। अभी बारिश हो रही है, मानसून सीजन चल रहा है और काफ़ी अच्छा व्यूज आ रहा है। और यहाँ पे हमने एक कॉफ़ी ले ली है जो कि हमें 25 रुपीज़ की पड़ी है। हल्दीराम से कॉफ़ी ली है, काफ़ी अच्छी फ्लेवर्ड की कॉफ़ी है। और ये मानसून और ये नज़ारे और सामने रेलवे स्टेशन और आपके हाथ में कॉफ़ी, तो इससे ज़्यादा बढ़ के आपको क्या चाहिए। जर्नी की स्टार्टिंग जब ऐसी हो रही हो तो फिर आगे आपको पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो पर, आपको मैं काफ़ी कुछ दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड पे अगर आपको वेटिंग लॉन्च अगर आप सर्च कर रहे हैं नागपुर रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पर नवेधाम का उत्तर दक्षिण आपको नाम से वेटिंग लॉन्च मिल जाएगा। काफ़ी नीट एंड क्लीन वेटिंग लॉन्च है यहाँ पर। अंदर रिफ्रेशमेंट के लिए भी वहाँ पे स्टोर अवेलेबल है और सिटिंग के लिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एरिया दे रखा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री है और स्लीपर क्लास वालों के लिए भी फ्री है, मतलब आप बिल्कुल आप यहाँ पर अगर वेटिंग लॉन्च ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पे आके वेट कर सकते हैं। बाकी आप देखिए इस तरफ नागपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई ट्रेन अराइवल होने वाली है, काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं अभी। और कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। ये है नागपुर का अपना फेमस ब्रिज, राम ब्रिज जिसको बोलते हैं, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। बाकी 8:26 हो गए हैं, चलिए हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चलते हैं, वहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर रहेगा। तो आज की जर्नी होने जा रही है ट्रेन नंबर 12101 मुंबई के LTT से चलकर कोलकाता के शालीमार जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में। ये ट्रेन वीक में 4 दिन चलती है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे। और आज हम यात्रा करने जा रहे हैं इस ट्रेन से नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आइए हमारी ट्रेन का अराइवल होने वाला है। 1:30 पर हमारी ट्रेन डिले चल रही है यहाँ पर नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारी ट्रेन का अराइवल होने वाला है। आइए हम आपको अराइवल दिखाता हूँ इस ट्रेन का। बाकी दोस्तों यहाँ पर 11:11 पे थोड़े 1.5 घंटे की देरी के साथ हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पर आपकी नागपुर की मशहूर डायमंड क्रॉसिंग से हमारी ट्रेन जा रही है। ये देखिए दिल्ली मेन लाइन और हावड़ा मेन लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काटती है, काफ़ी फेमस डायमंड क्रॉसिंग है। सामने से जो लाइन आ रही है वो दिल्ली की तरफ से आ रही है और हम जा रहे हैं हावड़ा की तरफ।
अभी रास्ते देखिए हावड़ा लाइन से कोई ट्रेन आ रही है, गीतांजलि एक्सप्रेस है, हावड़ा से चलकर मुंबई सीएसटी को जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस का आ रही है। बाईपास लाइन आ रही है कोडाड़ी की तरफ से, जो पावर हाउस की तरफ से लाइन से आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्रांति रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर 12:28 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है। बात की जाए गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर नैनपुर बालाघाट वाली मेन लाइन आके हमारे से मध्य होती है और हावड़ा मेन लाइन यहाँ से इसको क्रॉस करती है, इसलिए गोंदिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और खाने पीने के सारे स्टॉल्स अवेलेबल है। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का। यहाँ पर एक देख लीजिए, यहाँ पे खाने पीने का एक आउटलेट बना हुआ है। बाकी आप बताइए अगर गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे क्लीननेस तो काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई है। बाकी हमारी ट्रेन को मेन सिग्नल दे दिया गया है, चलिए मैं आपको डिपार्चर दूँ। तो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन 1:02 पे यहाँ से डिपार्चर ले लिया प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन के। बाकी दोस्तों उस लाइन पे एक ट्रेन भी आ रही है, हावड़ा लाइन से कोई ट्रेन आ रही है। यहाँ पर दरभंगा एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे।
बताइएगा आपको ये डोंगरघाट सेक्शन, घाट सेक्शन कैसा लग रहा है। बाकी व्यूज तो आप देख सकते हैं किस टाइप से आ रहे हैं ट्रेन में बाहर। मानसून जर्नीज का एक अपना ही अलग मजा होता है। बाकी आपको मैं ट्रेन की बिजनेस की बात करूं, क्योंकि ये मुंबई से ट्रेन चलकर आ रही है, कल रात में चली थी और हमने इसको नागपुर से बोर्ड किया है। तो आपको मैं क्लीनेस बता देता हूँ ट्रेन के। यहाँ पर यहाँ पर आपके क्लीनेस की बात की जाए तो क्लीनेस वेल मेंटेन है। ओबीएचएस इस ट्रेन का परफेक्ट बिल्कुल काम कर रहा है, नीट एंड क्लीन है। टाइम टू टाइम यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है। बाकी आप बाहर के नज़ारे देखें, कितने खूबसूरत नज़ारे चल रहे हैं यहाँ। बाकी दोस्तों देखिए ऊपर पहाड़ पे कोई खूबसूरत सा टेम्पल बना हुआ है। बाकी मुझे नाम नहीं बताया। अगर आप लोग अगर कोई लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर कौन सा मंदिर ऊपर पहाड़ पे बना है। बाकी हमारी ट्रेन देखिए राजनांदगांव की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर 2 बजे हमारी ट्रेन डोगरगढ़ रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है स्लोली स्लोली। Thank you.
दोस्तों देखिए वहाँ पर डोंगरगढ़ की पहाड़ी में माता का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बाकी बारिश का मौसम हो रहा है, अब देखते हैं कब बारिश होती है सेक्शन में। यहाँ पर 2:56 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बात की जाए दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन की तो टोटल 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 1:30 की देरी से हमारी ट्रेन यहाँ पे चल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है। बाकी दुर्ग की बात की जाए तो यहाँ पे पास में भिलाई आपका पड़ता है, जो कि फेमस स्टील प्लांट है रेलवे का, बहुत ही बड़ा स्टील प्लांट है। कि आप देखिए यहाँ पर दुर्ग के प्लेटफॉर्म को देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाने पीने के लिए काफ़ी स्टॉल वगैरह आपको मिल जाएगा इस तरफ। कि यहाँ पर धूप निकल चुकी है, ट्रेन यहाँ पे हमारी अराइव हुई है, देख लीजिए। चलिए मैं आपको डिपार्चर में मिलता हूँ। बाकी आप यहाँ पर 3:03 पर ट्रेन का डिपार्चर हो गया है दुर्ग रेलवे स्टेशन से। दोस्तों यहाँ पर देखिए भिलाई का मार्चिंग यार्ड बना हुआ है, और वहां उस लाइन पे कोई एक ट्रेन भी डिपार्चर ले रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में आपका स्वागत है दोस्तों, रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर 4:10 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बात की जाए रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की, इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि विजयनगरम वाली ब्रांच लाइन हमसे यहाँ पे आके मर्ज होती है, और यहाँ पर हम नागपुर मुंबई हावड़ा मेन लाइन से हम यहाँ से जाएंगे। बाकी यहाँ पर 2 का हॉल्ट है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 है। देखिए हमने आपको प्लेटफॉर्म बताया था। बाकी आपको कुछ खाने पीने के लिए यहाँ से परचेस करना है तो यहाँ पर आपको 1 साइड पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पे आउटलेट मिल जाएंगे। बाकी शायद से हमारी ट्रेन को डिपार्चर सिग्नल भी दे दिया गया है। यहाँ पर 4:18 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। टोटल 5 का हॉल्ट था, हमारी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है। यहाँ पर 1:30 की देरी से हमारी ट्रेन चल रही है। Thank you.
यहाँ पर 6:15 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। बात की है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो ये टोटल 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन जो है आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइवल हुई है। हम यहाँ पर 2 घंटे की डिले से चल रहे हैं। बिलासपुर जंक्शन को जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से कटनी से आने वाली लाइन जो हावड़ा मेन लाइन में मर्ज हो जाती है, इसलिए बिलासपुर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन रहता है। बाकी यहाँ पर बिलासपुर सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे चारों तरफ आपको कोल माइंस मिल जाएगी, काफी कोल प्रोडक्शन इसके चारों तरफ होता है। बाकी देखिए हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 का आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे खाने के लिए आपको स्टॉल मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे इडली वगैरह भी मिल रहा है, मैंने ट्राई नहीं करा है पर मैं आपको, क्योंकि एक्चुअली में हम तो खाना लेकर ही आए ज्यादातर सब कुछ, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे 6:30 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ था। यहाँ पर 15 रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल रही है। अब यहाँ से 2 घंटे डिले चल रही है, अभी देखते हैं शालीमार तक कितना डिले होती है ट्रेन यहाँ से। पर हमने पेंट्री से एक स्टैंडर्ड थाली ऑर्डर करी थी जो कि 80 रुपीज़ में हमें पड़ी। यहाँ पे दाल की अगर क्वालिटी देखी जाए तो दाल की क्वालिटी ठीक है, सब्जी भी क्वालिटी थी। बाकी मैं आप लोगों को ये टेस्ट करके बताता हूँ ये खाना कैसा बना है। बाकी दोस्तों देखिए ट्राई करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले सब्जी को ट्राई करते हैं हम यहाँ पे, सब्जी का टेस्ट लेते हैं कैसा। सब्जी फ्रेश बनी हुई है, दाल को ट्राई करते हैं। दाल की बात की जाए तो दाल भी फ्रेश है। बाकी आपको अगर स्टैंडर्ड मीट ऑप्शन में लेना है तो आपको इस ट्रेन में अवेलेबल मिल जाएगा, और अगर आप स्पेशल थाली लेना चाहते हैं तो उसका 150 रुपीज़ चार्ज है, उसमें पनीर की सब्जी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बाकी ठीक है खाना एवरेज है, आप कर सकते हैं इसमें बिल। अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आपको ई कैटरिंग की भी सुविधा मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं गीतांजलि एक्सप्रेस की। बाकी ठीक है गीतांजलि का खाना। चलिए मैं आपको झांसीगुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन में मिलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 3 घंटे की डिले के साथ हमारी ट्रेन आ गई है झांसीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर। 2 मिनट का हॉल्ट है, 3 घंटे हमारी ट्रेन यहाँ पर डिले चल रही है। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। बाकी बारिश देखिए, मानसून कितना अच्छा चल रहा है। यहाँ पर ट्रेन हमारी शायद से 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। देखिए आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल 3 घंटे चल रही है हमारी ट्रेन। रात को 10:41 पर आई हुई है हमारी ट्रेन यहाँ टुकड़ा रेलवे स्टेशन पर। बाकी दोस्तों अगर आप यह रेलवे स्टेशन से निकल रहे तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कुछ भी खाने पीने की ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। बाकी स्नैक्स वगैरह पानी वगैरह के लिए सुविधा आपको प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है यहाँ सुबड़ा। यहाँ पे हमारी ट्रेन को प्रोसीड सिग्नल भी दे दिया गया है, चलिए मैं आपको डिपार्चर बताऊंगा। यहाँ पर 10:44 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है झांसीगुड़ा रेलवे स्टेशन से। 3 मिनट का हॉल्ट था हमारी ट्रेन का, तो प्रोसीड सिग्नल पहले ही मिल गया था 2 मिनट में। बाकी लोको पायलट सर ने 3 मिनट में यहाँ पे डिपार्चर लिया है। बाकी देखिए यहाँ पे काफी अच्छा मानसून हो रहा है, बारिश देखिए कितनी प्यारी हो रही है।
यहाँ पर 12:25 पे हमारी ट्रेन का हो गया राउरकेला जंक्शन पे। राउरकेला को जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रांची से आके एक लाइन हम पे मर्ज हो जाती है और हावड़ा मेन लाइन यहाँ से निकलती है। बाकी नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 4 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन चल रही है, इसलिए मैं आपको राउरकेला रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ यहाँ से। बाकी यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, इससे पहले बारिश हो रही है झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन ये। यहाँ पे फूड का एक स्टॉल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बाकी यहाँ हमारी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगी हुई है। यहाँ पर 12:37 में हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ था। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर होती है राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन से, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ ओडिशा।